भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों में मन की बात के प्रति एक आकर्षण है और मन की बात सीखने और समझने का अवसर देती है। साथ ही उन्होंने आमेर विधानसभा क्षेत्र में मन की बात के साथ साथ कोई नवाचार करने की बात कही। प्रयास के बारे में मुझे बता करता हूँ जो इस प्रकार के प्रयासों में लोगों में मन की बात के प्रति एक आकर्षण है और मन की बात सीखने और समझने का अवसर देती है। हम लोगों ने निश्चित किया कि आमेर विधानसभा क्षेत्र में इस मन की बात के साथ साथ कोई नवाचार करें, तो एक शुरुआत आज की है कि आमेर कस्बे में हम लोगों ने चिकित्सा शिविर के जरिए जो इस तरीके के रोगी हैं कि जिनको निरंतर दरवाजे तक चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचती, उनको हमने एक शुरुआत की है। इसको भविष्य में आगे निरंतर रखेंगे। बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दूसरे अन्य अस्पतालों की भी सेवाएं हम लोग लेंगे। आज एक शुरुआत की है प्रारंभिक तौर पर। इसका जिस तरीके का हमें सुविधा और व्यवस्थाओं के हिसाब से कुछ चीज़ें देखने सीखने को मिलेंगी, उसके अनुरूप क्षेत्र के व्यक्तियों को स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाई और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं ये मिलें, इसलिए मन की बात और मोदी जी के साथ में तो करते ही हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर मोदी क्लिनिक का ये एक अभिनव शुरुआत की है। मैं कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसको निरंतर कोशिश करूँगा कि प्रत्येक पंचायत में महीने में किसी न किसी दिन उनका अवसर मिले